हेलो एवरीवन, चलिए देखिए आज के वीडियो में बताने वाले हैं विटामिन का नाम तथा सूत्र। ठीक है, विटामिनों के रासायनिक नाम क्या होते हैं और उसका सूत्र। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। ठीक है, देखिए विटामिन ए जो इसका देखिए रासायनिक नाम होता है, ये क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल, या फिर इसी को कहते हैं जीरो फथाल। क्या कहते हैं? जीरो फथाल। ठीक है, ज्यादातर देखिए क्या कहते हैं? रेटिनॉल ही कहते हैं। ठीक है, रेटिनॉल लास्ट में अल जुड़ा, तो ये किस में क्या रहेगा, कौन सा समूह रहेगा? यहाँ पे अल्कोहल का समूह रहेगा। ठीक है, तो इसका देखिए सूत्र क्या होता है? C20H30O। ठीक है, सूत्र क्या होता है? C20H30O। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है विटामिन ए का। रासायनिक नाम है रेटिनॉल या जीरो फताल, देखिए यही कहते हैं, रेटिनॉल ही कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है C20H30O। ठीक है, अब देखिए विटामिन बी में क्या होती है, कई सारी विटामिनें होती हैं जिसमें से देखते हैं विटामिन बी वन। ठीक है, कौन सा? विटामिन बी वन। देखिए विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है ये है थायमिन। क्या है? थायमिन, थायमिन, या फिर इसी को कहते हैं एन्यूरिना। क्या कहते हैं? एन्यूरिना। ठीक है, विटामिन बी वन का क्या नाम है? थायमिन या एन्यूरिना। अब इसका देखिए रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक सूत्र है C12H18N4Cl2OS। यही देखिए क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर देखते हैं विटामिन बी टू का। ठीक है, किसका? विटामिन बी टू। देखिए विटामिन बी टू का नाम यहाँ पे रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी टू का क्या रासायनिक नाम है? राइबोफ्लेविन, या फिर इसी को कहते हैं या लैक्टोफ्लेविन, या लैक्टोफ्लेविन। ठीक है, लैक्टोफ्लेविन। इसका देखिए सूत्र होता है विटामिन बी टू का C17H20N4O6। यही क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, देखते हैं B3 का क्या नाम। अब देखिए विटामिन बी थ्री। ठीक है, देखिए विटामिन जो बी थ्री का नाम होता है निकोटीनिक अम्ल। क्या नाम होता है? निकोटीनिक अम्ल, या फिर देखिए इसी को कहते हैं नियासिन। इसका देखिए विटामिन बी थ्री का जो सूत्र होता है ये होता है C5H4। सूत्र होता है C5H4NCOOH। यही देखिए क्या होता है, C5H4NCOOH। इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, और देखिए जो विटामिन बी फोर होती है, ठीक है, इसमें देखिए जो विटामिन बी फोर होती है, इतना देखिए नोट कर लिए। हाँ, अगली देखिए विटामिन देखते हैं। देखिए जो विटामिन बी फोर होती है, ठीक है, विटामिन बी फोर देखिए क्या होती है, तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है, या तो एडिनिन, कार्टिनिन और क्लोरीन।
ठीक है, क्लोनीन से ये मिलकर के बनी होती है, इसमें से कोई तीनों हो सकता है। ठीक है, विटामिन बी फोर जो होती है ये क्या होती है, एडिनिन, एडिनिन, ठीक है, दूसरा कार्निटिन, तीसरा क्लोलीनी, ठीक है। इसमें से देखिए तीन, ये जो विटामिन बी फोर होती है ये तीन चीजों से मिलकर के बनी होती है। इसमें देखिए तीनों रहती है, एडिनिन, कार्टिन, यहाँ पे क्लोनिन, यहाँ पे तीनों रहती है। तीनों का देखिए यहाँ पे जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र C5H5N5 होता है। इसका देखिए सूत्र होता है C17H15NO3, और ये क्लोनिन का होता सूत्र CH3 thrice N CH2 CH2 OH। ये ऊपर ये पॉजिटिव है, ये इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। इसके बाद देखते हैं विटामिन बी फाइव क्या है, विटामिन बी फाइव, देखिए विटामिन बी फाइव को कहते हैं क्या कहते हैं, पेंटेथोनिक अम्ल। विटामिन बी फाइव को कहते हैं पेंटेथोनिक अम्ल। देखिए कहते हैं इसका, देखिए जो सूत्र होता है पेंटेथोनिक अम्ल का, ये सूत्र होता है C9H17O5N, इसका क्या होता है, ये रासायनिक सूत्र होता है। अब देखते हैं विटामिन बी सिक्स, देखिए विटामिन जो बी सिक्स होती है इसका जो रासायनिक नाम होता है पीरीडॉक्सिन, क्या होता है, पीरीडॉक्सिन, या फिर इसको कहते हैं एडरमीन, या फिर इसका नाम है एडरमीन, इसका रासायनिक नाम है एडरमीन। इसका देखिए जो सूत्र होता है C8H11O3N, इसका ये रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। और देखिए जो विटामिन बी सेवन, हाँ इसको देखिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अगली देखिए क्या है, विटामिन बी सेवन, या फिर इसी को कहते हैं विटामिन बी अलेवन, ठीक है, क्या कहते हैं विटामिन बी, सॉरी यहाँ पे विटामिन बी सेवन पहले देखिए देखते हैं, विटामिन जो बी सेवन होती है इसका देखिए रासायनिक नाम होता है बायोटिन, क्या होता है, बायोटिन। देखिए बायोटिन, यही जो विटामिन बी सेवन होती है इसी को कहते हैं विटामिन एच, जो विटामिन बी सेवन होती है इसी को क्या कहा जाता है, कभी कभी विटामिन एच भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विटामिन एच भी इसी विटामिन को कहा जाता है, विटामिन बी सेवन को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, बायोटिन का जो सूत्र होता है ये C10H16N2O3S, इसका ये रासायनिक सूत्र होता है विटामिन बी सेवन का, विटामिन एच का, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन, हाँ विटामिन कौन सी, विटामिन एट, ठीक है, विटामिन बी एट, देखिए जो विटामिन बी एट होती है ये भी क्या होती है, एडिनोसिन, इसका देखिए जो नाम है AMP, इसको शॉर्टकट कहते हैं AMP, ठीक है, मींस क्या होता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, क्या होता है, एडिनोसाइन, इसका नाम है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसका देखिए जो रासायनिक सूत्र होता है विटामिन बी एट का, ठीक है, क्या होता है, C10H14N5
O7P, इसी को कहते हैं 5-एडीनिलाइनिक एसिड भी कहते हैं, 5-एडीनिलाइनिक अम्ल भी कहते हैं इसी को, विटामिन B8 को कहते हैं, ठीक है। हाँ आप देखें, अगला देखिए क्या है, विटामिन B9 जिसको कहते हैं फोलिक अम्ल कहते हैं, इसको मिटा देना है, ठीक है। विटामिन B9, देखिए जो विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है क्या होता, फोलिक अम्ल, क्या होता, फोलिक अम्ल यही होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है फोलिक अम्ल का C19H19N7O6, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है। देखिए जो विटामिन 9 है इसी को कभी कभी ये कहा जाता है विटामिन B11 भी कहा जाता है, जो फोलिक अम्ल है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी विटामिन है, विटामिन 12। हाँ देखिए विटामिन B12 का क्या नाम है, B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकार्बलमिन, ठीक है। विटामिन B12 का नाम है साइनो कोबाल मिन, क्या है, साइनो कोबाल 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 मिन, यही है साइनो कोबाल मिन, विटामिन B12 का ये रासायनिक नाम है। इसका देखिए सूत्र हो जाएगा, ये हो जाएगा C63C63H88, देखिए कोबालमिन मिस कोबाल्ट रहेगा CON14O14P, यही इसका क्या है रासायनिक सूत्र है। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनो कोबालमिन, इसका सूत्र है C63H88CON14O14P, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद, अब इसके बाद आती है विटामिन सी, कौन सी, विटामिन सी, विटामिन सी का देखिए क्या नाम है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है एस कार्बिक अम्ल, क्या होता है, एस कार्बिक अम्ल, इसका जो सूत्र होता है एस कार्बिक अम्ल का होता है C6H8O6, यही इसका क्या होता है रासायनिक नाम होता है। इसके बाद देखिए विटामिन डी, क्या विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल, या फिर इसी को कहते हैं आर्गे कैल्सीफेराल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, आर्गे कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, आर्गे कैल्सीफेराल, ठीक है, या फिर इसी को देखिए सिंपली कहा जाता है कैल्सीफेराल भी कहा जाता है। इसका देखिए जो सूत्र होता है C28H44O, ठीक है, इसका क्या होता है, ये रासायनिक नाम है और ये रासायनिक सूत्र है, ठीक है। अब देखिए विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई को देखिए इस ई का रासायनिक क्या नाम है, टोकाफेराल, क्या है, टोकाफेराल, टोकाफेराल, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C29H50O2, यही क्या होता है इसका रासायनिक नाम होता है। अब एक और देखिए क्या है, विटामिन के, क्या है, विटामिन के, देखिए विटामिन के का जो नाम है पाइलोक्विनान, क्या, फाइनो फाइलो फाइलो इला है क्विनान, क्विनान, ठीक है, फाइलो क्विनान,
इसका देखिए जो सूत्र होता है K1 का, विटामिन K1 का, ये होता है C31H46O2। यही देखिए क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोग ये विटामिन के नेम और इसके रासायनिक नेम ये याद कर लीजिएगा। सूत्र तो अगर नहीं याद हो पाएगा, लेकिन तो ये सही, ये आप रासायनिक नाम याद कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू।